अगले 10 सालों में चाइना का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि हमें भारत में कुछ ऐसा मिला है जो 21वीं सेंचुरी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली सेंचुरी में ऑयल इम्पोर्टेंट था। ये है व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम, जिसकी मदद से भारत अपनी ग्रोथ को सुपर चार्ज कर सकता है, क्योंकि भारत में हमें 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। ये भारत के लिए एक जैकपॉट से कम नहीं, और इससे चाइना बहुत परेशान है। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही इकोनॉमिक्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए चीजें समझना आसान बनाते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए। ये आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, लिथियम की सुपर पावर। आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी, तो उसमें वाइब्रेनियम नाम का एक फिक्शनल मेटल मेंशन्ड है, जो वकांडा की सारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसी मेटल का रियल लाइफ वर्जन है लिथियम। ऑफ कोर्स इस मेटल में सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये मेटल आपके गैजेट्स को सुपर पावर्स जरूर दे सकता है। कैसे? इसकी हेल्प से। ये है लिथियम आयन बैटरीज, जो हर जगह यूज होती है, बच्चों के टॉयज से लेकर बड़ों के टॉयज तक। बच्चे बड़े होते हैं तो क्या वो टॉयज के साथ खेलना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके टॉयज भी बड़े होते हैं। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया अपनी टेस्ला गाड़ियों के साथ। ऐसा नहीं है कि टेस्ला के पहले ईवीज नहीं थी, लेकिन ईवीज काफी छोटी, कम स्पीड वाली, कम रेंज वाली टॉय कार्स जैसे हुआ करती थी। टेस्ला के साथ इलॉन मस्क ने ईवीज को फ्यूचरिस्टिक बनाया। आज मैक्सिमम टेस्ला गाड़ियां चाइना में बनती है और वहां से दुनिया भर में पहुंचती है। ये इलॉन मस्क जैसे बिलियनर के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कल जाकर चाइना और अमेरिका के रिलेशंस और बिगड़ते हैं तो टेस्ला खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो अपने घर के बगल में टेक्सास में एक लिथियम रिफाइनरी शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं। लिथियम ईवीज के लिए जरूरी क्यों? क्योंकि लिथियम से ही इन ईवीज की बैटरीज बनती है। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आज जिस देश के पास ऑयल है वो देश पावरफुल है, वैसे ही फ्यूचर में जिस देश के पास लिथियम यानी व्हाइट गोल्ड होने वाला है वो पावरफुल देश होने वाला है। चैप्टर 2, लिथियम का इम्पोर्टेंस। बैटरी जैसी सिंपल चीज को हम यूजुअली ग्रांटेड ले लेते हैं। आज नुक्कड़ के हर दुकान पर आपको बैटरी मिल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इंसानों ने पहली बैटरी साल 1800 में बनाई, फिर 1859 में पहली रिचार्जेबल बैटरी बनी, लेकिन ये बनी थी लेड एसिड्स। ऐसे टाइप की बैटरीज आज भी आपकी बाइक में या गाड़ी में यूज होती है, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए या विंडोज ऊपर नीचे करने के लिए। प्रॉब्लम ये होता है कि ये बैटरीज काफी बड़ी होती है और ज्यादा कैपेसिटी नहीं रखती। उससे छोटी निकल कैडमियम बैटरीज 1899 में बनी थी, और फिर बहुत समय के लिए इस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जिन देशों ने इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले रेवोल्यूशन में बहुत पैसे छापे। लेकिन 1973 में अरब वर्ल्ड ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी बहुत बड़ा चैलेंज दिया कि हम भी असर्टिव बन सकते हैं, हमारे ऑयल के लिए हम आपसे जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यहां दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए कि पेट्रोडॉलर अग्रीमेंट हुआ, जहां सारा ऑयल का ट्रेड डॉलर्स में होने लगा, और सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर बन गया। इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑयल के प्रॉब्लम को अमेरिका ने टेम्पररीली सॉल्व तो किया था, लेकिन जरूरत थी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जिससे वो ऑयल पर डिपेंड करना कम करे। 70s और 80s के दौर में एक्सॉन नाम की एक ऑयल कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर विटिंगहम ने एनर्जी को स्टोर करने के बेहतर तरीके ढूंढना स्टार्ट किया, और सेम साइज में लेड बैटरी से 10 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ कर निकाली। आगे जाकर उन्हें केमिस्ट्री में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इसे कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम दुनिया के लाइटेस्ट एलिमेंट्स में से एक है, और इसमें छोटे पैकेट में बड़ा पावर पैक करने की कैपेसिटी है। इसका नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसी बैटरीज आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में यही बैटरीज यूज होती है। ऐसी बैटरीज यूज करने वाली पहली कंपनी एक जापानीज कंपनी थी, सोनी। दुनिया का 54% लिथियम इन तीन देशों में पाया जाता है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। इन तीन देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। बट वेट, पहले चैप्टर में हमने जाना कि लिथियम है व्हाइट गोल्ड। दूसरे चैप्टर में हमने समझा कि जिसके पास व्हाइट गोल्ड होगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो अर्जेंटीना की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रगल क्यों करती है? वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है, लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है, तो वो दूसरे देशों पर उनकी टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर है। लिथियम ट्रायंगल के देश सिर्फ लिथियम का रॉ प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में फिट होने वाली बैटरी कभी भी चिले या अर्जेंटीना में बनी नहीं होगी, वो बनी होगी एक ही देश में,
चाइना। चैप्टर 3, चाइनाज एम्पायर। लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। बात हो रही है चाइना की। आज लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट $70 बिलियन का हो चुका है और इस पूरे मार्केट पर चाइना राज करता है। आज चाइना लिथियम में दुनिया को डोमिनेट करता है। 80% लिथियम बैटरीज चाइना में बनती है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जो सिर्फ 7% बैटरीज बनाता है और बचे कुछ 13% बाकी के सारे देशों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मोनोपोली चाइना के इस डोमिनेंस के लिए काफी छोटा शब्द। दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है। अगले 20 सालों में 2040 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी और चाइना लिथियम आयन बैटरीज के साथ वही कर रहा है जो उन्होंने सोलर पैनल्स के साथ किया। रसेल ओल ने अमेरिका में सोलर पैनल्स इन्वेंट तो किए लेकिन आज हर 4 में से 3 सोलर पैनल्स चाइना में बनते हैं। उनका फंडा सिंपल है, होमवर्क करने में नहीं, होमवर्क कॉपी करने में मास्टर बनो। चाइना ने दुनिया की नस पकड़ ली। उन्हें ये पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो इस क्लाइमेट चेंज का इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी ऑलरेडी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है और चाइना क्लीन एनर्जी में सबको पछाड़ रहा है। फोटोवोल्टाइक सेल्स चाइना में बनते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती विंड पावर चाइना बनाता है और लिथियम आयन बैटरीज भी बनाने में चाइना एक्सपर्ट बन चुका है। अमेरिका जैसे देश ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जापान ने उसे कमर्शलाइज किया। जिन देशों में नेचुरली ये मेटल्स पाए जाते हैं उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर प्रॉफिट कमाया और चाइना जैसे देश ने इस बढ़ते हुए इंडस्ट्री का टाइम पर एडवांटेज लिया। यहाँ से एक चीज मिसिंग है, दुनिया का सबसे पॉपुलस देश, एक ऐसा देश जो मोबाइल्स के लिए दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है लेकिन इस इंडस्ट्री से कोसों दूर है भारत। चैप्टर 4, इंडियाज मास्टर प्लान। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारत में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम मिला है। चाइना में सिर्फ 4.5 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम है। फिर भी बैटरीज बनाने में उन्होंने खुद से 5 गुना ज्यादा लिथियम होने वाले देशों को भी पीछे छोड़ा। ट्रिक सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस होना नहीं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी होना और उसे यूज कर पाना भी है। इंडिया का प्लान सिंपल है, होमवर्क कॉपी करने वाले चाइना से भी बेहतर कॉपी करना सीखो। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा तो इंडिया का मास्टर प्लान आपकी आंखों के सामने साफ है। अगर अमेरिका में टेस्ला है तो हमारे पास टाटा महिंद्रा है जो वर्ल्ड क्लास ईवीज भारत में बना रहे। आपके बजट में फिट होने वाली ईवीज आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क बना रहे। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2030 तक भारत में चलने वाली 1/3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडीज मिलती हैं। ये है मास्टर प्लान का पहला स्टेप कि प्राइवेट प्लेयर्स में इंटरेस्ट जगाओ। दूसरा स्टेप है बाहर के देशों पर डिपेंडेंस कम करो। आज टाटा महिंद्रा की गाड़ियां बनती तो इंडिया में है लेकिन फिर भी बैटरीज चाइना से आती है, यानी मेड इन इंडिया गाड़ी के अंदर जाके तो छोटे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा होता ही है। ये एक फैक्ट है, ये बदलना ही होगा, नहीं तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमें एक वरदान लिथियम रिजर्व्स के रूप में मिला है। तीसरा स्टेप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लिथियम को एक्सट्रैक्ट करो और इंडिया में ही लिथियम आयन बैटरीज बनाने की एक्सपर्टीज डेवलप करो। चाइना और भारत में एक सिमिलैरिटी है कि यहाँ पर लेबर चीप, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है कि चाइना का लेबर स्किल्ड लेबर है और हमारा लेबर अनस्किल्ड। इसीलिए आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और भारत चाइना से कम्पीट नहीं कर सकता। हर साल हमारे बजट में से 1500 करोड़ NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जाते हैं। इसके थ्रू 20 मिनिस्ट्रीज के अंडर 73 अलग अलग स्किल्स लोगों को सिखाए जाते हैं। ये एक स्टेप है हमारे लेबर को स्किल्ड लेबर बनाने के लिए। भारत जैसे बड़े देश के लिए 1500 करोड़ एक काफी छोटी अमाउंट है और ये अमाउंट एटलीस्ट 5 गुना बढ़ने की जरूरत है, तब भी कुछ इम्पैक्ट होगा। और चौथा स्टेप है चाइना को टक्कर दो। सिलिकॉन वैली कोविड के बाद चाइना से परेशान है और अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। कैलिफोर्निया के वन चार्ज कंपनी के सीईओ कहते हैं कि वो भी चाइना को छोड़कर अमेरिका में लिथियम आयन बैटरीज बनाना चाहते हैं लेकिन आज ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि अमेरिका में लेबर एक्सपेंसिव है, उन्हें चाइना से इंपोर्ट करना ही सस्ता लगता है। तो सिर्फ चाइना क्यों? क्या बैटरी जैसी सिंपल चीज हम इंडिया में नहीं बना सकते? ये सवाल हम सबको अपने आप को पूछने की जरूरत है क्योंकि अगर हमने इस मौके पर चौका मारा तो हम चाइना के वर्ल्ड डोमिनेंस को रोकने के लिए एक बड़ी बाधा बन सकते हैं। प्लस अगर कल चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे देश की बैटरी खत्म नहीं होगी, देसी अल्टरनेटिव्स हमेशा रहेंगे एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5, व्हाई इंडिया नीड्स टू एक्ट
फास्ट। जब भी कोई गुड न्यूज आती है तो हमें उसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, यानी खुशी होनी चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन में अगर एक्शन ही लेना भूल गए तो भारी पड़ सकता है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि 1992 में भी यही सेम न्यूज जम्मू कश्मीर से आई थी। डायरेक्टर ऑफ मिनरल इन्वेस्टिगेशंस MR कल्सोत्रा ने ये खुद बताया था कि जम्मू कश्मीर रीजन में लिथियम माइनिंग पोटेंशियल है। 1999 में एक 67 पेज की रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं ली गई। वेल, यू स्नूज यू लूज, और यही अपॉर्चुनिटी चाइना को मिली। और चाइना पिछले 20 सालों में हमसे 5 या 6 गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। हमने इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के पहले फेज को मिस कर दिया, अब दूसरा फेज जस्ट शुरू हो रहा है। नई जनरेशन के लिए और ज्यादा कैपेसिटी की बैटरीज लगेंगी और इसमें भारत एक सप्लायर बन सकता है। प्लस कोई भी नई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए नई प्रॉब्लम्स लेकर ही पैदा होती है। माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरीज को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसके लिए हमारे पास कोई रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। ये कोई जादू का चिराग नहीं होती जो लाइफ टाइम के लिए चलती है। एक समय बाद इन बैटरीज को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। एस्टिमेट ये है कि 2030 तक दुनिया भर में 2 मिलियन टन यूज्ड लिथियम बैटरीज होंगी। लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो पानी के कांटेक्ट में आने पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे बहुत जल्दी आग लग सकती है। अक्सर हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जिनमें बैटरीज होती हैं उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। ये कचरा किसी नाले के थ्रू समंदर में जाता है या फिर लैंडफिल में, और आपके फेंके इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आग लगती है। नॉट टू मेंशन इसमें सारे मेटल्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में भी 5% से कम लिथियम आयन बैटरीज रिसाइकल होती हैं। माइनिंग की तरह लिथियम आयन रिसाइकलिंग में भी पोटेंशियल है, जहां चाइना अब भी पीछे है लेकिन बहुत समय के लिए नहीं। मेरी हर एम्बिशियस इंडियन से ये एक रिक्वेस्ट है, एनवायरमेंट के लिए नहीं तो नहीं, प्रॉफिट के लिए ही सही, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकलिंग के बिजनेस के बारे में सोचें, क्योंकि इसके बिना इंडिया का मास्टर प्लान अधूरा है। ये सारे स्टेप्स साइड बाय साइड होना जरूरी है। और हर एक कंज्यूमर से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे में ना फेंके, उन्हें किसी ई वेस्ट रिसाइकलर को दे दे। कॉन्टैक्ट्स हम हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। बट एनीवे, आपके शहर में ये ई वेस्ट रिसाइकलर्स बस एक गूगल सर्च दूर रहेंगे, उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। दिवाली, गणपति, ऐसे फेस्टिवल्स में हम पूरे घर की सफाई करते हैं और बहुत सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकलते हैं। आपके सोसाइटी में एक ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव कीजिए और सब साथ में सोल्यूशन का हिस्सा बनिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक गुड न्यूज तभी बनती है जब उस पर टाइम पर एक्शन ली जाती है। और यही इम्पोर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और कौन से वीडियोस है जो आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टाटा भारत की ईवी रेवोल्यूशन को कैसे लीड कर रहा है आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।